इसके साथ ही मैं आप लोगों को इसकी हर एक लाइन का मतलब बताऊंगी। पॉल्यूशन इज द कॉन्टामिनेशन ऑफ द एनवायरनमेंट विच इज कंस्टिट्यूट ऑफ लैंड एयर एंड वाटर। अब ध्यान से सुनना है आप लोगों को, जो पॉल्यूशन है वो हमारे एनवायरनमेंट का पॉल्यूशन है। ये कैसा पॉल्यूशन है जो हमारे एनवायरनमेंट में हमें देखने को मिलता है, जैसे लैंड पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन। इसके टाइप्स बताए गए हैं, ये किसे कंस्टिट्यूट करता है, लैंड पॉल्यूशन को, ध्यान से सुनना है आप लोगों को, वाटर पॉल्यूशन को और एयर पॉल्यूशन को। द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज इज द वन सोर्स विच इज कॉजिंग पॉल्यूशन ऑफ एयर वाटर एंड नॉइज। अब ध्यान से सुनना है आप लोगों को, इसने बोला है बढ़ते हुए इंक्रीजिंग नंबर ऑफ जो फैक्ट्रीज हैं और जो इंडस्ट्रीज हैं, ये एक ऐसे सोर्स हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट करा है एनवायरनमेंट में पोल्यूशन बढ़ाने के लिए। कौन कौन से पोल्यूशन बढ़ाने के लिए? एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड नॉइस पोल्यूशन। फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज से कौन कौन से पोल्यूशन होते हैं याद रखना है आप लोगों को, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड नॉइस पोल्यूशन। द वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ दिस फैक्ट्रीज गो इनटू द ड्रेन्स, कैनाल्स एंड रिवर्स थ्रू पाइपलाइंस, द मेकिंग देयर वाटर टॉक्सिस एंड डर्टी। इनका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो फेंक दिया जाता है, फैक्ट्रीज के वेस्ट प्रोडक्ट को ध्यान रखना है और इंडस्ट्रियल्स के वेस्ट प्रोडक्ट को फेंक दिया जाता है ड्रेन्स में, कैनाल्स में और रिवर्स में थ्रू पाइपलाइन, पाइपलाइन के थ्रू, जिसकी वजह से क्या होता है, जो वाटर को टॉक्सिस एंड डर्टी कर देता है, गंदा कर देता है और उसको बैक्टीरिया वाला कर देता है। स्मोक फ्रॉम देयर चिमनीज फिल्स द एयर विद डेंजरस गैसेस एंड नॉइस फ्रॉम द मशीन्स, सिरेंस क्रिएट्स नॉइस पॉल्यूशन। फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज से निकलने वाला जो स्मोक होता है, स्मोक फ्रॉम देयर चिमनीज, चिमनीज से निकलने वाला जो स्मोक होता है वो एयर को फिल कर देता है विद डेंजरस गैसेस, जहरीली गैसों से भर देता है। नॉइस फ्रॉम द मशीन्स, इसके अलावा जो मशीन से शोर बाहर निकलता है, कंपन बाहर निकलता है, नॉइस फ्रॉम द मशीन एंड सीरेस क्रिएट नॉइस पॉल्यूशन, और इन मशीनों की वजह से नॉइस पॉल्यूशन भी यहाँ क्रिएट हो जाता है। याद रखना है अभी तक कौन कौन से टाइप पड़े हैं, वाटर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड रिजल्ट इन नॉइस एंड एयर पॉल्यूशन। रोड पर व्हीकल्स की जो नंबरिंग है वो बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से रिजल्ट नॉइज एंड एयर पॉल्यूशन का निकल रहा है। द स्मोक फ्रॉम द व्हीकल्स इज डायरेक्टली इनहेल्ड बाय पीपल केसिंग मैनी डिजीज। इनके धुएं से जो है व्हीकल्स के डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो कॉज कर रहे हैं लोगों को मैनी डिजीज के लिए, काफ़ी सारी बीमारियों के लिए। नॉइज क्रिएटेड बाय देयर प्लाइंग एंड साउंडिंग हॉर्न इज ग्रेजुअली टर्न अज इनटू डीव्स। नॉइज क्रिएट होने से, नॉइज के बजने से, मीन्स की हॉर्न के बजने से, हॉर्न इज ग्रेजुअली जो धीरे धीरे टर्न हो रहा है डीव्स में। कौन से पोल्यूशन की बात हुई है यहाँ? नॉइस पोल्यूशन की बात हुई है, जो तेज तेज बजने से, जैसे लाइक हॉर्न इज ग्रेजुअली, जो धीरे धीरे डीव्स में बदल रहा है हॉर्न के बजने की वजह से। डिफोरेस्टेशन अफेक्ट्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इट कॉज सॉइल इरोजन ड्यू टू विच फर्टाइल सॉइल फ्लोस डाउन विद ड्रेन वाटर मेकिंग फील्ड्स बैरेन। ट्रीज को कट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? डिफोरेस्टेशन।
जो सभी चीज़ों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है। ध्यान से सुनना है आप लोगों को, डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या हो रहा है, ट्रीज की कटिंग की वजह से, जो हर एक चीज़ को, ऑलमोस्ट एवरीथिंग को अफेक्ट करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सॉइल इरोजन क्या होता है? मिट्टी का कटाव, जो मिट्टी है वो पानी के साथ बह जाती है, खेतों के साथ जो मिट्टी है वो बह जाती है, फील्ड्स बैरिन हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज डिस्टर्ब द ऑक्सीजन बैलेंस, दस केसिंग एयर पॉल्यूशन। अब ट्री को कट करने से क्या होता है, जो ऑक्सीजन का बैलेंस है, ट्री ऑक्सीजन का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है या असंतुलन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होता है। याद रखना है आप लोगों को, ट्री के कट होने की वजह से क्या होता है कि ट्री जो है उनकी जो ऑक्सीजन का बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो अनबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होता है। अ मूवमेंट शुड बी स्टार्टेड ऑन अ लार्ज स्केल टू कंट्रोल दिस डिवेस्टेशन। इसने बोला है कि इस तबाही को हमें कंट्रोल करने के लिए लार्ज स्केल मतलब बड़े पैमाने के ऊपर